Pare mo. Ma'am, look here. Ma, Sharma. Wait, Sharma, wait. Ha. Nikki, wait. Wait, what is it now? Yeah. Hello. That one's Sharma. Sharma. Hi Nikki, how are you? I'm good, thank you. Okay, so कैसे चल रही है rehearsal, आज rehearsal है क्या? So basically I'm tired. मैं land हुई, मैं just घर पे गई, अपने mom dad से मिली, pet से मिली, and then I'm back on set. This is very exciting show for me, Z comedy. I am someone who is very funny in personal life, but ये जब मुझे opportunity मिली, मैंने कहा कि मुझे करना ही है. It's fun, it's interesting, it's something new जो मैंने पहले कभी try नहीं किया है. So, yeah, I'm loving it. I'm enjoying it. And if I'm not wrong, Dubai trip par gayi thi aap? Kaise? Dubai mein deed saal baad gayi, and I want to say this ki matlab Bigg Boss ke baad mujhe pata nahi tha ki mere दुबई में भी फैंस होंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे. आई रिमेंबर मैं मॉल गई थी एंड देर वर फ्यू ओल्ड पीपल, देर वर फ्रॉम लंडन. उन्होंने मुझे कहा कि आवाज़ से पहचान रहे, फिर आई टेल यू ऑनेस्टली आवाज़ से कि हाय आर यू निक्की तंबोली. तो मैंने कहा भाई यस. तो कह रहे वी आर फ्रॉम लंडन, वी हैव मतलब हमने आपको वोट किया है, वी आर ह्यूज फैन ऑफ योर्स और ये वो. मैंने कहा इट मतलब मेरे लिए शॉकिंग था, यू नो, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ कहीं भी आफ्टर बिग बॉस. एंड यू नो आई मतलब हर किसी को लगता है कि कोई मुझे जानता है या नहीं जानता है, बट दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. जो लोग मुझे रिसीव भी करने आ रहे थे फ्रॉम कोरिया से थे, खाखा से थे और जगह से, यू नो दे ऑल वर माई फैंस एंड आई वॉज रियली फीलिंग वेरी गुड. थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच. मतलब लिटरली आँखों में आंसू आ गए थे कि मतलब लंदन से, न्यूयॉर्क से लोग जानते हैं. यहाँ वहाँ शॉप्स में जा रही हूँ, जो भी मुझे असिस्ट कर रहा है वो मुझे आवाज़ से पहचान के बोल रहे हैं यू आर निक्की राइट, वी आर सीइंग यू हियर आफ्टर सो लॉन्ग आफ्टर बिग बॉस ये वो. तो आई वाज रियली हैप्पी अलॉन्ग. उसके अलावा बिग बॉस की बात हो ही रही है, तो बिग बॉस का सीजन 15 आने वाला है, कहीं आप प्रतीक को के साथ कनेक्शन बनाने की सोच भी रही थी? तो बिग बॉस सीजन 15 में घर के अंदर प्रतीक के साथ कनेक्शन बनाने जाने का ऐसा कुछ इरादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैं पहले तो सभी कंटेस्टेंट्स को बेस्ट विशेस देना चाहूँगी. आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस. मैंने अपना हार्ट सोल सब कुछ दाव पे लगा दिया था फॉर बिग बॉस. तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बिग बॉस में जा रहा है, प्लीज़ गिव योर 100% एंड लिव योर लाइफ देयर. क्योंकि वो पल आज भी मुझे याद आते हैं, वो बिग बॉस की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है. सो जस्ट एन्जॉय द मोमेंट एंड लिव फुलेस्ट. लेकिन प्रतीक का क्या? अरे प्रतीक का क्या, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही था. ऐसे ही था मतलब ऐसे ही अच्छा करता है, वो कंटेंट भी देता है एंड पता नहीं वो कितना अच्छा प्लेयर है. तो जब मेरी बात हुई, मैंने उसको यही कहा कि भाई तू गेम खेल, बाकी सबको असाइड रख, एंड बिग बॉस इज़ अ गेम विच यू हैव टू प्ले. तो वो खेलिए. लेकिन अगर मौका मिले अंदर जाकर प्रतीक के साथ गेम खेलने का, तो आप खेलना चाहेंगी? पर चले उसके लिए जाओ और उसी को डिच करके आओ बाहर. ऐसा लगता है आपको निक्की? मेरा भरोसा नहीं बाबा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. ओके, बिसाइड्स दैट कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है? बिकॉज एल्बम्स काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहे हैं. हाँ, अभी बहुत इंटरेस्टिंग और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे कि मैं जी कॉमेडी शो कर रही हूँ, कभी एक्सपेक्टेड था नहीं, तो यू नेवर नो. और भी काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है, मैं बस रिवील नहीं करना चाहती हूँ,
काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेबल और सिंगर्स के साथ भी बातचीत हो रही है. सो जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल कन्फर्मेशन और जैसे मुझे पता चलता है लेट यू नो गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑनेस्टली सभी ने मेहनत करी है और जो टॉप सिक्स में थे उन्होंने तो बहुत ज़्यादा करी है. उसके बाद दिव्यंका, विशाल और अर्जुन, ये तीनों ही मुझे विनर लगते हैं. बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज अर्जुन से हूँ तो ऑब्वियसली मैंने हमेशा प्ले किया है कि अर्जुन जीते, अर्जुन जीते, तो वो जीत गया. मैं बहुत खुश हूँ और बस उसके आगे के प्रोजेक्ट्स और लाइफ के लिए मैं बेस्ट विशेज देना चाहूँगी. आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर अर्जुन. हाँ, वापस जाना चाहूँगा? नहीं, अभी जाने का मन नहीं है. बट हाँ, बिग बॉस 15 आ रहा है. मैं देख रही हूँ कि कौन कौन है, कौन नहीं है. बस सभी कंटेस्टेंट्स को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी. अपना जी जान लगा दो एंड जस्ट किल इट. गेम खेलिए. लोग गेम नहीं खेलते बिग बॉस के घर में, पता नहीं क्या क्या करते हैं. बट आई थिंक बिग बॉस एक ऐसा घर है वेर यू हैव टू प्ले गेम फॉर योर सेल्फ. अगर आप सेल्फिश हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप के लिए सेल्फिश रहो, स्टैंड लो और जस्ट विन. थैंक यू. आपका बताऊँगी अभी मस्त. बाय बाय.